जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वैकेंसी आई थी इंडियन आर्मी में वुमेन सोल्जर की, मतलब महिलाओं की वैकेंसी आई थी, 100 टोटल वैकेंसी थी। तो इसके लिए जो है ना, ये बात हो रही थी, 100 वैकेंसी थी टोटल। बात ये हो रही थी कि एडमिट कार्ड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इश्यूड आफ्टर 30 जून, और 30 जून जो है ना, 30 जून 2019, और ये डेट निकल चुकी है, आज हो गई अपनी कितनी, 4 जुलाई, 4 जुलाई आज की डेट है। तो एडमिट कार्ड अभी तक क्यों नहीं है, तो देखिए टाइम लगेगा आगे आने वाले 2-3 महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में ये सारी प्रक्रिया होनी है। ये चीज़ जो है ना पुराने नोटिफिकेशन में कही गई थी कि ये सारी प्रक्रियाएं इन्हीं 3 महीनों में होनी है। तो एडमिट कार्ड जो है ना आपके आएंगे और आपका फिजिकल जो है ना इसी 3 महीनों, जुलाई अगस्त सितंबर में आपका ये फिजिकल वाला प्रोग्राम निपटना ही निपटना है। तो देखिए आप एडमिट कार्ड की उतनी ज़्यादा फिक्र ना कीजिए, आपने जो ईमेल आईडी दी थी यहाँ पर, ईमेल आईडी उस पर आप रेगुलरली चेक करते रहिए। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है मैं आपको बता दूं, joinindianarmy.nic.in, इस पर जाकर आप रेगुलर वे में चेक करते रहे। इसमें क्या होगा, जब आप रेगुलर वे में इस वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो क्या आपको पता चलता रहेगा क्या इन्फॉर्मेशन आई, कुछ भी नई चीज़ आती है आपको इस वेबसाइट पर ही मिलेगी, कोई अन्य इसका दूसरा सोर्स नहीं है, और इसी वेबसाइट पर ही सारी आधिकारिक जानकारियाँ इसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। ठीक, आपके एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड होंगे। ठीक है, तो आप अपने क्या करना है, आपको आपको अपने फिजिकल की तैयारी जोर शोर से बनाए रही है, क्योंकि जो है ना करीब करीब जो मेरी उम्मीद है, जिन बच्चों के 55% या कहूँ मैं 60% से ज़्यादा जिन जिनके नंबर हैं कक्षा 10 में, उन सारे लोगों के आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। और जब इतने सारे लोगों के एडमिट कार्ड आने वाले हैं तो जाहिर सी बात एक कंपटीशन होने वाला अच्छा सा, तो आपको फिजिकल में बहुत सारे लोग यहाँ से छाटे जाएंगे, तो आपको फिजिकल बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, एक्सलेंट आपको मारना पड़ेगा। और फिजिकल की डिटेल्स क्या आपको करना, कितनी रनिंग है, वो सारी मैं पुराने वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आप, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इस वीडियो में यही है कि आप एडमिट कार्ड की फिक्र ना करें, मैं भी देखता रहता हूँ, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, वीडियो बना दूंगा, और आप अपनी ईमेल चेक करते रहिए, उस पर भी आएगा, और आप भी इस वेबसाइट को चेक करते रह सकते हैं। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल पर, अभी जब आपका फिजिकल हो जाए तब आप अपने रिटर्न एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहूँगा, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।